अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम डॉक्टर कंवल और आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ साइलेज, स्पेशली कॉर्न। व्हाट इज साइलेज? साइलेज इज डिफाइंड एज एनी प्लांट मटेरियल डेट हैज़ अंडरगॉन फर्मेंटेशन आर पिकलिंग इन अ साइलो। आपने साइलेज बनाने के लिए फॉडर को थोड़े अरसे के लिए प्रिजर्व करना होता है साइलो में, और फर्मेंटेशन होने के बाद वो जो मटेरियल आपके पास या रेजिड्यू आपके पास बचता है वो साइलेज है। अगर हम इसकी कुछ कुछ खसूसियात को देखते हैं तो वो क्या है कि साइलो इज एनी स्टोरेज स्ट्रक्चर इन विच ग्रीन मॉस्ट फॉर्जेस आर प्रिजर्व्ड। द प्राइमरी गोल ऑफ मेकिंग साइलेज इज टू मैक्सिमाइज द प्रिजर्वेशन ऑफ ओरिजिनल न्यूट्रिएंट्स इन द फॉरेज क्रॉप फॉर फीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। साइलेज इज़ द बेस्ट मैथड फॉर प्रिजर्विंग फ्रेश फॉरेज विद मिनिमम लॉसिस। साइलेज विल हैव अ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड हाइजेनिक क्वालिटी। डिग्री ऑफ ग्रीन फॉर्डर विल्टिंग, लेंथ ऑफ कट इन सीलिंग टेक्नोलॉजी टाइप एंड अमाउंट ऑफ एन एडिटिव्स यूज। साइलेज एडिटिव्स आर नेचुरल आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एडिड इन रदर लार्ज क्वान्टिटीज टू द फॉरेज आर ग्रीन मैस। वट इज़ द बेस्ट साइलेज? कॉर्न साइलेज, स्पेशली कॉर्न साइलेज आजकल यूज़ भी हो रहा है और इसी का ही ट्रेंड भी है। तो कॉर्न साइलेज इज़ द बेस्ट साइलेज विद एक्सीलेंट क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स विद रेफरेंस टू इनटेक पर्पज। कॉर्न साइलेज इज ऑफ ग्रेट क्वालिटी ड्यू टू इट्स हाई स्टार्च कॉन्टेंट्स। बेसिकली जो साइलेज है उसमें स्टार्च होता है जो कि एक एनर्जी सोर्स है, जिसकी वजह से हम साइलेज कॉर्न साइलेज को यूज़ करते हैं। इट इज़ एन अवेलेबल सब्सट्रेट फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिकवर्ड 100% एंड 90% ऑफ स्टार्च फ्रॉम बार्ले एंड ओट्स आल्सो। फीड एडिटिव्स आर एडिड एट द इन साइलेज ऑफ राई ग्रास एट्रीब्यूटिंग एंड इम्प्रूव फर्मेंटेशन टू द सब्सट्रेट अवेलेबल फ्रॉम 3% टू 4% ऑफ सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स आर फ्रॉम फ्रैक्शंस सच एज बीटा ग्लूकन कंटेंट इन द सीरियल्स एंड नॉट टू अ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। क्योंकि देखिए, फर्मेंटेशन जब एक चीज़ की होगी, इट्स मीन जब भी एनिमल ने इसे इनटेक करना है तो ऑटोमेटिकली एक चीज़ जो फर्मेंटेड है उसने जाके एनिमल को एनर्जी देनी है, और ये इन द सेंस ऑफ सोलिबल कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स की क्लास है स्टार्चेस जो कि एनर्जी सोर्स है, और बेसिकली कॉर्न साइलेज जो है वो आपको स्टार्च प्रोवाइड करता है। अगर हम देखते हैं पैरामीटर्स कुछ कि अगर आपने अप्रॉक्सीमेट किया है तो उसके लिहाज से कॉर्न साइलेज की क्या क्या वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास आती हैं, या आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाला जो कॉर्न साइलेज है वो बेस्ट बना है, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, और बाकी उनके यूनिट्स हैं और मैं आपको बताऊंगी वैल्यूज़। लाइक ड्राई मैटर है, आपने परसेंटेज में लेना है जो कि 34% होता है। मॉइस्चर परसेंटेज में 43%। क्रूड प्रोटीन परसेंट में 2.8। ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन परसेंटेज में 0। डाइजेस्टिबल एनर्जी मेगा कैलोरीज पर केजी वो भी 0 है। टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स परसेंटेज में 24। मेटाबोलाइजेबल एनर्जी मेगा कैलोरीज पर केजी 0.9%। नेट एनर्जी फॉर मेंटेनेंस मेगा कैलोरीज पर केजी 0.56। नेट एनर्जी फॉर गेन मेगा कैलोरीज पर केजी 0.35। नेट एनर्जी फॉर लैक्टेशन मेगा कैलोरीज पर केजी 0.54 एंड स्टार्च परसेंटेज में 0। देन शुगर परसेंटेज में भी 0 है, फैट्स परसेंटेज में 0, फाइबर परसेंटेज में 8.1, न्यूरल डिटर्जेंट फाइबर परसेंटेज में 17, एसिड डिटर्जेंट फाइबर परसेंटेज में 9, ऐश परसेंटेज में 1.5, कैल्शियम परसेंटेज में 0.09, टोटल फास्फोरस परसेंटेज में 0.07, अवेलेबल फास्फोरस परसेंटेज में 0, साल्ट परसेंटेज में 0 हैं, सोडियम परसेंटेज में 0, क्लोराइड परसेंटेज में, देन पोटाशियम परसेंटेज में 0.36, मैग्नीशियम परसेंटेज में 0.1, सल्फर परसेंटेज में 0.02, डिकैड डाइट्री कैटाइन एनायन बैलेंस MEQ बाय KG में 0, लाइसिन परसेंटेज में 0, मिथाइनिन परसेंटेज में 0 एंड एफ्लाक्टोक्सिन पार्ट्स पर बिलियन में भी 0।
तो गाइज आज अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।